सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू द्रोपोलॉजिकल थ्यूरीज पार्ट एंड इन द्रोपलॉजिकल थ्यूरीज वी विल स्टार्ट विद द पार्ट थर्ड देखिए हमने जो पिछली क्लास है पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी जो है वो कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल कर लिया था तो कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के करने कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के बाद जो है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टड द न्यू एवोल्यूशनज़म हमने न्यू एवोल्यूशनिज्म जो है वो आज की क्लास के अंदर जो है वो करना है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सो दिस इज द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दिस इज़ द डे नाइन्थ एंड विल स्टार्ट विद द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल विल जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जैसे हर किसी क्लास के अंदर जो पहला हमारा स्टेप होता है उसके अंदर विल ट्राई टू एनालाइज और विल ट्राई टू सी दैट वाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस दैट वाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैस्ट जो कि आपसे जो है वो पूछे जा चुके हैं एंड फ्राम दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल ट्राई टू वील ट्राई टू सी और वील ट्राई टू एनालाइज दैट वाट आर द वेरियस थीम्स की अलग जो अलग जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी जो है वो पूछी जा चुकी हैं वील ट्राई टू एनालाइज दोज थीम्स एंड ओन दोज थीम्स विल ट्राई टू सी दैट वाट इज दैलड कंटेंट आपके पास जो है वो वैलिड कंटेंट क्या होना चाहिए दैट यू शुड बी राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन जो कि आपको जो है वो लिखना चाहिए ओके सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ फाइल देन यू शुड गो टू दोटू आई एस अकेडमी ऐप तो आप ओ टू आई एस एकेडमी ऐप के ऊपर जाइए उसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इन द स्टोर सेक्शन यू विल सी दिस कोर्स एग्जैक्टली यू विल सी दिस कोर्स आपको ये कोर्स जो है वो दिखा जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविज़न एंड आंसर राइटिंग कोर्स एंड इन दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविज़न एंड आंसर राइटिंग कोर्स यूल गेट आ रिसोर्स सेक्शन आपके पास एक रिसोर्स सेक्शन जो है वह आपको मिल जाएगा एंड क्लिक ऑन दिस रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड द पी डी एफ तो आपको जो है वो पी डी एफ मिल जाएगी चलिए स्टार्ट विद द न्यू एवोल्यूशनिज्म सो इन द न्यू एवोल्यूशनिज्म अगेन वॉट आर द थीम्स दैट आर बीन आस्ट हम उनके बारे में बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट थीम जैसे सवाल पूछे जाते हैं द फर्स्ट थिंग इट इज द कन्सेप्ट्स जनरली द क्वेश्चन दे आर आस्ट ऑन दंसेप्ट जो सवाल हैं वो कंसेप्ट से पूछे जाते हैं ठीक है देन आपके पास जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द कल्चरल इकोलॉजी तो कल्चरल इकोलॉजी इट इज अ वेरी वाइड थीम विच सेज दैट द कल्चर एंड इकोलॉजी दे आर इन द डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले दोनों जो चीज़ हैं वो विरोधाभास में है दोनों जो चीज़ें हैं दे आर इन द डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले वो दोनों जो चीज़ें हैं वो डायलैक्ट्रिक इंटरप्ले के अंदर है पहला है ऐसा कंसेप्ट कि आपसे जो है वो कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे द सेकेंड इज द सेकेंड थीम दैट इज आस्ट इट इज द होलिस्टिक क्वेश्चन दैट राइट अ शॉर्ट नोट और एक्सप्लेन द theory ऑफ neo कल्चरल एवोल्यूशनिज्म और neo एवोल्यूशनिज्म दूसरा जो है वो आपसे ये सवाल पूछा जाता है जो आपके पास द थर्ड थीम दैट हैज़ been asked इट इज़ द contribution। The contribution of different neo-evolutionist. a for example, take the case of Leslie White. again the question has been asked from the Leslie White's approach or Leslie White's contribution. so when the question it is asked on the Leslie White's contribution, first of all you have to write about the work. आपको जो है वो लेस्ली वाइट का काम लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द वर्क ऑफ द लेस्ली वाइट एंड देन यू विल गिव द मैथडोलॉजी आप उसकी मैथडोलॉजी के बारे में लिखोगे इन द मैथडोलॉजी यू हैव टू राइट दैट ये जो थी वो आपके पास लेस्ली वाइट की अप्रोच थी ठीक है एंड इवेंचुअली आपके पास जो चीज़ें हैं वो फ्लो हो जाएंगी यू विल एक्सप्लेन द अप्रोच देन यू विल गिव एन एलस्ट्रेशन और यू विल गिव एन एग्जाम्पल और यू विल गिवेन केस स्टडी वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट हेर तो आप जो है वो एलस्ट्रेशन दोगे अगेन दिस एलस्ट्रेशन आपको कुछ ऐरी कहरी एलस्ट्रेशन नहीं दे देनी दे है दिस एलस्ट्रेशन इट विल भी इट विल भी गिवन बाई द लेस्ली वाइट ये जो एलस्ट्रेशन है यह लेस्ली वाइट ने ही दी होगी ठीक है देन द न्यू एवोल्यूशनिज्म ठीक है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू एवोल्यूशनिज्म अगेन सवाल जो हैं वो आपके पास ये पूछा गया सो दीज थीम्स दे आर आस्ट ये तो आपके पास तीन थीम्स हैं ये जनरली जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं ठीक है ठीके? तो कोई भी आपसे सवाल पूछा जाएगा एनी क्वेश्चन देट वुड बी आस्ट दे दोज क्वेश्चन दे विल बी फ्रेम्ड अबाउट दीज थीम्स इन्नी थीम्स के अराउंड जो है वो आपके पास सवाल जो है वो पूछे जाएंगे या तो एक कॉमन कंसेप्ट के अराउंड पूछा जाएगा दैट वाट इज़ कल्चरल इकोलॉजी ठीक है और आपके पास जो है बाकी जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं वाट इज सो वाट इज कल्चरल डार्विनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी कि कॉन्सेप्ट्स के अराउंड जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे दूसरा एक होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरी थीम ये है दैट वन वेरी होलिस्टिक थीम और वन वेरी होलिस्टिक क्वेश्चन विल बी आस्ड एंड द थर्ड वन इट इज दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक लेस्ली वाइट जी वी चाइल्ड इट विड बी आस्ट तो जनरली जो आपके पास क्वेश्चन हैं दे विल बी फ्रेम्ड अराउंड दैट इसी के अराउंड जो है वो फ्रेम होंगे और जो एक चौथा थीम है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म दैट दे विल बी अ क्वेश्चन ऑन द डिफरेंशिएशन बिटवीन क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एंड न्यू एवोल्यूशनिज्म न्यू एवोल्यूशनिज्म और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है दैट वुड बी आस्ट वो जो है वो आपसे पूछा जाएगा ठीक है दोज थिंग्स दे आर गोइंग टू बी आस्ट देन विल स्ट वी हैव ऑलरेडी डन विद दी कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच ठीक है तो हमने जूलियन स्टीवर्ड का कल्चरल इकोलॉजी अप्रोच जो है वो कल कर लिया था नाउ विल स्टार्ट विद दी हैव ऑलरेडी डन द मल्टीलिनियर एवोल्यूशनिज्म एंड वी हैव ऑलरेडी जो है हमने डिफ्रेंसीएशन कर लिया था कि हमें जो है जो न्यू एवोल्यूशनिज्म है दैट इज डिफरेंशियटेड बिटवीन the multilineal evolutionism universal evolutionism and the specific and general evolutionism specific and general evolution it is like the conclusion that both the multilineal and universalist they were trying to draw ठीक है तो आपके पास जो स्पेसिफिक और जनरल एवोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि जो आपके पास यूनी यूनिवर्सल और जो आपके पास जो थे वो मल्टी लीनियल या फिर आपके पास मल्टी एवोल्यूशनिस्ट स्कूल था दोनों जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे तो उस चीज़ को जो है वो सर्विस और सहलें जो है वो एक जनरल एंड स्पेसिफिक एवोल्यूशन की तरह से जो है वो लिख देते हैं अब हम शुरू करते हैं नाव विल ट्राई टू स्टॉ स्टार्ट द यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म दैट इज गिवन बाय जीवी चाइल्ड जीवी चाइल्ड ही वॉज स्पेशलिस्ट इन द यूरोपियन एंड द मिडल ईस्टर्न आर्कोलॉजी ठीक है सो जी वी चाइल्ड वॉज अ स्पेशलिस्ट इन द यूरोपियन एंड द मिडल ईस्टर्न आर्कोलॉजी एंड जो उन्होंने काम लिखे थे द वर्क्स दैट वर रिटन बाय जी वी चाइल्ड वर वॉट हैपनड इन हिस्ट्री मैन मेक्स हिमसेल्फ़ वॉट इज हिस्ट्री एंड सोशल एवोल्यूशनिज़्म ठीक है सो दीज वर द दर्क्स दैट वर रिटन बाय जी वी चाइल्ड हिमसेल्फ ठीक है तो वैसे दीज आर जनरली द वर्क्स ऑफ आर्क्योलॉजी बट ये आपके पास जो है ये बहुत बड़ी इंसाइट जो है वो आपके पास एवोल्यूशनिज्म को जो है वो देते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल रिसर्च देयर आर सेवरल पार्ट्स लाइक एशिया अमेरिका ओशियनिक आईलैंड यहाँ पर जो है वो उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करके उन्होंने एक यूनिवर्सल थीम ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो चॉक आउट किया सो ही सेड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ द्रक्स एवरीवेयर मैन काइंड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन टू द न्योलिथिक सिविलाइजेशन ठीक है दिस मेक्स द करक्स ऑफ द यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म ये जो है वो आपके पास इनका करक्स है दिस इज क्रक्स ऑफ द थ्योरी ठीक है हर जगह के ऊपर आपके पास जो है जो मैन काइंड है वो पेलियोलिथिक्स से द मैन काइंड हैज वेंट फ्रॉम पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक द मैन काइंड हैज़ वेंट फ्रॉम द पेोलिथिक टू द न्योलिथिक ठीक है हम जो है वो पेलियोलिथिक से न्योलिथिक की तरफ जो है वो आए हैं अब यहाँ पे जो है वो मैथडोलॉजी कौन सी लगती है सो द मैथडोलॉजी दैट इज़ यूज इट इज़ द डारवेनियन मैथडलॉजी और द मटीरियलिस्टिक मैथडोलॉजी ठीक है तो वट इज द डारवेनियन मैथडोलॉजी बेसिकली वॉट आप वाइट ने क्या किया वॉट ही डिड वॉज ही स्टडीड डारवेनिज़म उन्होंने जो है वो डार्वेनिज़म को स्टडी किया और डारवेनिज़म को कैसे आप कल्चर के अंदर लिख सकते हो ठीक है सॉरी नॉट वाइल्ड चाइल्ड ठीक है तो जी वी चाइल्ड कर रहे हैं तो आपके पास कैसे जो है वो आपके पास द बायोलॉजी ऑफ डारवेनिज़म कैन बी चेंज इन टू दी कल्चरल अप्रोच उसको जो है वो आप कैसे जो है वो चेंज कर सकते हो सो so, इसको हम कहते हैं डार्वेनियन मैथडोलॉजी दिस इज ऑल्सो नोन एज द डारवेनियन मैथडोलॉजी फॉर एग्जाम्पल वाट इज डारवेनिज्मारवेनिज्म क्या कहता है दैट इन दोस दैट इन दिनवायरमेंट इन द नेचुरल इनवायरमेंट और आई वुड भी वेरी प्रिसाइस दैट इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट देर इज डाइवर्सिटी कि आपके पास नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर डायवर्सिटी होती है डायवर्सिटी मीन्स दैट देर इज वेरिएशन इन स्पीसीस स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होगा वेरिएशन क्यों होगा वाई देर विल बी वेरिएशन बिकॉज देर विल बी देर विल बी अडेप्टेशन दैट डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दे विल बी अडेप्टेड टू द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ओके सो दिस अडेप्टेशन इट इनक्रेज डायवर्सिटी बिकॉज द नेचुरल इन्वायरमेंट और आपके पास नेचुरल इन्वायरमेंटल नीश दे आर डिफरेंट नाउ लेट से देर आर आप द इन्वायरमेंट चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं एंड द हुपीसीज दे आर मोर अडेप्ट टू दैट पर्टूलर चेंज दोज स्पीसीज दे विल हैव ग्रेटर जेनेटिक एफिशियंसी ग्रेटर जेनेटिक एफिशियंसी का मतलब क्या है कि वो स्पीसीज जो है वो एनवायरमेंट को एक्सप्लॉयट कर पाएगी वो एनवायरमेंट से अपना फूड एक्सट्रेक्ट कर पाएगी प्लस

जो आपके पास इन्वायरमेंट की अच्छे से एक्सप्लाइटेशन कर पा रही हैं यानी कि दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट दे विल इनक्रीज देयर पॉपुलेशन तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी इनक्रीज़ कर जाएगी भाई समझ में आ रही है अब वी विल ट्राई टू सी इन दिस टेबल हम इसी चीज़ को इस टेबल के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पास नेचर के अंदर वेरिएशन होती है अडेप्टबिलिटी होती है डाइवर्सिटी होती है फिर आपके पास जो चीज़ें इन्वायरमेंट से ज़्यादा अडेप्ट कर जाती हैं दे हैव ग्रेटर जेनेटिक एफिशिएंसी। एंड ड्यू टू दिस जेनेटिक एफिशिएंसी, देयर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपके पास जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है नाउ हाउ चाइल्ड अडेप्टड इट कैसे जो है वो आपके पास जीवी चाइल्ड ने कैसे अडेप्ट किया जीवी चाइल्ड सेड दैट इन दी कल्चर देर इज जैसे आपके पास यहां पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है इन द कल्चर देर इज डिस्कवरी प्लस इनोवेशन ड्यू टू डिस्कवरी एंड इनोवेशन देर इज डाइवर्सिटी इन टेक्नोलॉजी नाउ द टेक्नोलॉजी दैट विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर इनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट दैट विल हैव मोर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी नाउ द टेक्नोलॉजी दैट विल बी हैविंग मोर टेक्निकल एफिशिएंसी दैट विल बी यूज्ड बाय सोसाइटी तो सोसाइटी के अंदर उसकी जो डिमांड है वो क्या करेगी भाई वो इंक्रीज कर जाएगी तो जब आपके पास सोसाइटी में इस टेक्नोलॉजी की डिमांड जो है वो इनक्रीज़ कर गई देन वॉट विल हैपन दैट दिस टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स दे विल इंक्रीज़ वो जो है वो आपके पास इनक्रीज कर जाएंगे ठीक है तो आपके पास डार्विनियन बायोलॉजी के अंदर क्या था डार्विन के अंदर क्या था दैट देर वॉज वेरिएशन आपके पास प्रॉपर वेरिएशन था ठीक है देर वॉज वेरिएशन इन स्पीसीज और अलग अलग स्पीशीज जो थी अपने अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टिड थीं ठीक है वो अपने अपने एनवायरनमेंट से जो थी वो अडेप्ट थी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जो स्पीशीज एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर जाती हैं उनकी जो है वो जेनेटिक एफिशिएंसी, यानी कि उनकी जो रिप्रोडक्शन करने की जो काबिलियत है वो इनक्रीज़ हो जाती है जब आपके पास उनकी रिप्रोडक्शन करने की काबिलियत बढ़ गई दे विल हैव मोर पापुलेशन उनकी जो पापुलेशन है वो इनक्रीज़ कर जाएगी जब उनकी पापुलेशन इंक्रीज कर जाएगी इट मीन्स दैट दे हैव मोर सक्सेस तो उनका जो है वो सक्सेस ज़्यादा हो जाएगा आपके पास चाइल्ड ने जीवी चाइल्ड ने कल्चर के अंदर इसी चीज़ को जो है वो हूब हू रेप्लीकेट करके दिखा दिया वो कहते हैं दैट देर इज़ डिस्कवरी एंड इनोवेशन ठीक है कल्चर के अंदर जो है वो इनोवेशन और डिस्कवरी होती है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हैं वो बनते रहते हैं जब आपके पास अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स बनते रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ वट डज़ इट मीन कि आपके पास जो है आपके पास इन दी इन यूर कल्चर यू हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल टूल्स अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किस टेक्नोलॉजिकल टूल की जो है वो आपके पास जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा है यानी कि कौन सा टेक्नोलॉजिकल टूल जो है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो टेक्नोलॉजिकल टूल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा दैट विल प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज वो जो है वो अगली स्टेज के अंदर जो है वो प्रोग्रेस कर जाएगा ओके सो दिस इज हाउ दे हैव डन इस तरह से जो है वो किया है

एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास कल्चर यानी कि नॉन मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ कल्चर हैज़ एवॉल्ड और समथिंग लाइक दैट कि आपके पास जो है वो मटीरियल आस्पेक्ट जो आपके पास मटीरियल आस्पेक्ट है मटीरियल आस्पेक्ट की एफिशेंसी जो है वो आपके पास बड़ी है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट की वो इंक्रीज हुई है फॉर एग्जाम्पल इन द इनिशियल स्टेज जब आपके पास लोअर पेल्यूलिथिक था द पेबल एंड स्टोन टूल्स दे वर यूज दीज पेबल एंड स्टोन टूल्स दे वर दे कैन बी ओनली यूज फॉर द स्मॉल गेम हंटिंग इंसान से छोटे जानवर को मारने के लिए कि आप इसको जो है वो यूज कर सकते थे बट देन यू हैव इवॉल्व फिर उसके बाद आपका एवोल्यूशन हुआ आपने एवॉल्व किया अपने आप को जब आपने अपने आप को इवॉल्व किया देन वॉट हैपनड वॉज आपको क्या मिला कि आप जो है वो उन टूल्स को जो है वो छोटा कर सकते थे एंड यू बिल्ट अ सोसाइटी फिर आपने उन टूल्स को जो है वो और एफिशिएंट किया और छोटा किया सो दैट यू कैन मेक जेवलिन आउट ऑफ इट तो आपने जो है वो मीज़ोलिथिक वगैरह के अंदर प्रॉपर जो है वो ट्रिपीज़ प्रॉपर जो जेवलिन टूल्स हैं कंपाउंड टूल्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए एंड विद दोज़ ट्रिपीजेज़ आपके पास जो है वो कंपाउंड टूल्स के सहारे जो है यू कैन हंट अ वेरी बिग एनिमल यू कैन इवन हंट वेरी बिग मेमोत्स बड़े बड़े एनिमल्स को जो है वो आप हंट कर सकते थे जब इंसान ने बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कहीं आप एक चूहा मारना कहीं हाथी मारना इन द एलिफेंट यू कैन एक्सट्रैक्ट मोर फैट मोर एनर्जी सो एज दी कल्चर प्रोग्रेस जैसे जैसे आपके पास कल्चर प्रोग्रेस करती रहती है देर इज टेक्नोलॉज देयर इज एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल एफिशंसी टेक्नोलॉजिकल एफिशंसी में एडवांसमेंट्स होती हैं और ये जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के अंदर एडवांसमेंट्स की बात है इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कल्चर हर एक कल्चर के अंदर ये एप्लीकेशन्स आती हैं तो जैसे आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने कहा था कि पहले सेवेजरी है बारबरिज्म है फिर सिविलाइजेशन है बात वही करते हैं ये भी बात वही करते हैं दे आर ऑल्सो टेलिंग द सेम स्टोरी ऑफ द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म बट द थिंग इज दैट दे आर टेलिंग इट विद आ रैशनल मैथोलॉजी उनकी मैथोलॉजी क्या थी दैट दे हैव डन सम्पेरिजन एंड दे हैव अज्यूम्ड दैट देर वॉज सम थिंग लाइक साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड यानी कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड जैसी कोई चीज़ होती है बट दे हैव रिफ्यूज इट उन इन्होंने आपके पास यूनिवर्सल एवोल्यूशनिस्ट ने जो आपके पास जो है वो चाइल्ड ने इस चीज़ को बिल्कुल रिफ्यूज़ किया है बिल्कुल जो है वो रिफ्यूट किया है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है ठीक है दैट यू डू नॉट हैव दी आपके पास कुछ आपके पास जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि हर इंसान के अंदर जो है वो कुछ साइकिक यूनिटी है रादर ही हैज़ सेड दैट देयर इज ए यूनिवर्सल डार्विनिज्म दैट कैन बी सीन आपके पास एक यूनिवर्सल डार्विनिज्म देखा जा सकता है टेक्नोलॉजी के अंदर जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपके पास जो है वो एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट जो हैं वो आ जाती हैं सो दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर द यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज़म ये भी यूनिवर्सल एवोल्यूशनिज्म के लिए स्टैंड कर रहे हैं बट ऑन दी वेरी रैशनल ग्राउंड ऑफ डारवनिज़म ठीक है सो so, दैट इज़ वाई द मैथडलॉजी इट इज़ नोन एज द डारवेनियन मैथडोलॉजी और डार्विन डार्विनिस्टिक मटीरियलिस्टिक मैथडोलॉजी कुछ इस तरह से भी इसको नाम दिया गया है कई किताबों के अंदर ठीक है क्योंकि वे डार्विन को टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आ गए हैं ठीक है सो so, वही जो सारी चीज़ें हैं देट आई हैव रिपीटड जो मैंने पहले बताई हैं वही जो है वो लिखी गई हैं ठीक है सो देर इज़ कल्चरल स्टेज नाव दिस इज़ द एलिस्ट्रेशन ठीक है वी हैव डन द थ्यूरी वी हैव डन द मैथड हमने थ्यूरी कर लिया हमने मैथड कर लिया जो अगला स्टेप है वो है आपके पास एलिस्ट्रेशन देने का एग्जाम्पल देने का सो दिस इज द कल्चरल स्टेज ये आपके पास जो है वो कल्चरल स्टेज आती है दैट यू हैव सवेजरी देन यू गो टू बारबरिज्म देन यू गो टू द सिविलाइजेशन आपके पास सेवेजरी होती है आप बारबरिज्म की तरफ बढ़ते हो फिर आप जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ आ जाते हो इन दजरी यू गो फ्रॉम द पेलियोलिथिक टू मिजोलिथिक ठीक है आपके पास जो है वो हंटिंग गैदरिंग जो है वो चलती रहती है एंड इन द बारबरिज्म यू हैव द न्यूलिथिक एवोल्यूशनिज्म आपके पास न्यूलिथिक होता है न्यूलिथिक का मतलब क्या है दैट यू हैव द एग्रीकल्चर कि आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो हो रही होती है ठीक है बिकॉज यू हैव द एग्रीकल्चर यू आर डूइंग द एग्रीकल्चर तो इन विद द एग्रीकल्चर व्हाट वॉट इज़ दैट आपके पास जो इम्प्लीमेंट्स हैं जो मिजोलिथी के अंदर आप जो है वो माइक्रोलिथ्स जो है वो यूज़ कर रहे थे वो माइक्रोलिथ्स एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो अपना साइज़ जो है वो इनक्रीज कर देते हैं यू हैव बिग रिंग स्टोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आपके पास जो फूड ग्रेन्स हैं उनको पीसने के लिए बड़े बड़े जो हैं रिंग स्टोन जिसको आप चक्की कहते हो वो बननी बननी जो है वो शुरू हो जाती हैं यू हैव द डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द एग्रीकल्चर आपके पास क्या है कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की जो एफिशेंसी है वो क्या है वो बढ़ गई ठीक है प्रॉपर सोशल डिफ्रेंसीशन स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है अगेन दिस इज़ टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी आउट ऑफ दी इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो आप ये काम करते हो फिर उसके बाद आपके पास सिविलाइजेशन आ जाती है चार्कोलिथिक एज ब्रॉन्ज एज आयरन एज इंडस्ट्रियल एज वो कहते हैं कि आपके पास पूरी दुनिया के अंदर ये जो आपके पास चीज़ें हैं दे आर यूनिवर्सल पेलोलिथिक तो न्योलिथिकिथिक से न्योलिथिक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आपके पास इंसान जो है वो ऐसे ही जा रहा है फिर उसके बाद बात आती है सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो आपके पास चालकोलिथिक ब्रॉन्ज आयरन इंडस्ट्रियल जो है वो टूल्स आ जाते हैं ठीक है इन द सिविलाइजेशन यू हैव द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ठीक है ट्रेड का डेवलपमेंट कैसे होता है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल सरप्लस यू you generate the agricultural surplus and in the agricultural surplus you with the help of agricultural surplus you generate more trade up trade generate and with this trade to manage this trade you have to devise mathematics you have to devise writing

said that the extinction of the indus valley civilization it was due to environmental degradation that they cut all the trees to extract more and more wood because they were in the bronze age in the bronze age they cut more and more trees in the indus valley so the desert द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द लैंड इट हैपन्ड तो आपके पास जो है लैंड की डेजर्टिफिकेशन जो है वो होनी शुरू हो गई ठीक है तो चाइल्ड कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ये जो आपके पास जो स्टेज है वो इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे है आपके पास जो है कॉपर ब्रॉन्ज वग़ैरह जो है वो डिस्कवर करने की वजह से अच्छे इम्प्लीमेंट्स बनने की वजह से जो है आपके पास जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट है हाउ टू डिग्रेड और हाउ टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट इट ऑल्सो इनक्रीज़ वो भी इंक्रीज करता रहता है ठीक है अब बात आती है इनके क्रिटिसिज्म की कि इनका क्रिटिसिज्म क्या है सो दे अप्लाइड द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ये आपके पास जो है वो इनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म है जो कि बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने किया है अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट का मानना है जैसे आपके पास जो है स्टीवर्ड का मानना था कि इन्होंने जो है वो स्टीवर्ट ने जो काम किया है वो साउथ अमेरिकन सिवलाइजेशन के अंदर काम किया है सो बेसिकली वाट इज कि जब आप मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करते हो और उन्होंने यहाँ पे काम किया मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर काम किया यूरोपियन सिविलाइजेशन ने काम किया एंड ही जनरलइज़्ड उसको जो है वो उन्होंने जनरलाइज़ करके जो है वो बाकी दुनिया के ऊपर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी दुनिया के ऊपर जो है वो थोप दिया ठीक है तो बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशन हैं जिनके अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से टेक द केस ऑफ दी नॉर्थ अमेरिकन इंडियन सिविलाइजेश ठीक है इन द नॉर्थ अमेरिकन इंडियन सिविलाइजेशंस दे हैव नॉट अचीव्ड द बारबरिज्म तो बारबरिज्म की स्टेज उनके पास आई नहीं थी बट विदाउट द स्टेज ऑफ द बारबरिज्म दे हैव अचीव्ड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर लिया है ठीक है तो आपके पास जो है एंड आपके पास इवन इन सर्टन सिविलाइजेशंस द रीज़न ऑफ रिलीजन इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको भी जो है वो इन्होंने इग्नोर किया है सो ही फोकस टू मच ऑन दी कंपैरिजन ऑफ द फर्टिलिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मोर ओवर कम्पेयर द डेटा फ्रॉम द सेम कल्चर थ्री टाइम्स होना क्या चाहिए था इन दी कंपैरेटिव मैथडोलॉजी यू टेक द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट कल्चर्स देन यू कंपेयर दैम उसके बाद जो है वो आप उस डेटा को कंपेयर करते हो बट व्हाट ही डिड वॉज टू अचीव डायक्रोनिक एनालिसिस द डायक्रोनिक एनालिसिस डायक्रोनिक एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक एवोल्यूशनरी स्कीम को अचीव करने के लिए एवोल्यूशनरी थ्योरी को अचीव करने के लिए व्हाट ही डेड वाज दैट ही टुक वन सिविलाइजेशन उन्होंने एक सिविलाइजेशन लिया और उसका ही डेटा जो है वो तीन बार एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया फर्टिलिटी का डेटा और जब उन्होंने फर्टिलिटी का डेटा जो है वो तीन बार कंपेयर कर लिया देन ही डिस्कवर्ड दैट उसकी जो है वो आपके पास मिडल ईस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जो है द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इट इज़ ऑल्सो देयर तो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट भी है ठीक है तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कहा कि हाँ इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट भी बढ़ती जा रही है एंड आपके पास जो है वो फर्टिलिटी का डेटा भी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है सो so, इसका मतलब क्या है दैट दी बोथ बोथ द थिंग्स दैट द फर्टिलिटी एज वेल एज द टेक्नोलॉजी दे टेंड टू इनक्रीज़ दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास इनक्रीज़ करती हैं ठीक है बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीज़ें इनक्रीज़ करेंगी कुछ ऐसा लॉ जो है वो आपके पास नहीं है सो ही रिलयड टू मच ऑन दी आर्कोलॉजिकल एविडेंस आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज यानी कि जो आपके पास मटीरियल एविडेंसेज हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलायंस रखा है जो आपके पास एथनोग्राफिक एनालॉजीज वगैरह हैं, उनके ऊपर इनका जो रिलायंस है वो बहुत कम है ठीक है सो दीज आर द क्रिटिसिज्म जो है वो आपके पास क्रिटिसिज्म है नाउ द क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीवी चाइल्ड टू नियो एवल्यूशनरी स्कूल ओके नाउ हाउ यू राइट दू है वो आंसर कैसे लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट दैट जीवी चाइल्ड जीवी चाइल्ड ने जो है वो आपके पास यूनिवर्सल एवल्यूशन की जो है वो आपके पास स्कीम दी है इन दीज वर्क्स तो जो जीवी चाइल्ड के काम हैं वो सारे के सारे काम ये सारे वट हैपन्ड इन दिस्ट्री मैन मेक सेल्स हिट सेल्फ वट वट इज हिस्ट्री खास करके सोशल एवोल्यूशन ठीक है तो इनको जो है वो आपको प्रॉपरली लिखना है फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इट इज द राइटिंग ऑफ दी करक्स कि आप जो है वो इसका क्रक्स लिखो इन द करक्स हिट सेल्फ यू शुड राइट इन द्रैक्स इट सेल्फ यू शुड राइट दैट इन दी इन ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन इन ईच एंड एवरी कल्चर यूर कल्चर इट हैज एडवांस्ड फ्राम यूर कल्चर इट हैज एडवांस्ड फ्रॉमिथिक टू नियोलिथिकोलिथिक टू नियोलिथिक विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की भी एडवांसमेंट होती रही है एंड देन यू हैव टू राइट यू हैव टू पर्टूलरली राइट दैट वाट इज द मैथडोलॉजी आपके पास जो है वो मैथडोलॉजी क्या है द मैथडलॉजी इट इज द डार्वेनियन मैथडोलॉजी डॉर द डार्वेनियन प्लस मटीरियलिस्टिक मैथडोलॉजी एंड वॉट इज द मैथडोलॉजी ड्रॉ द टेबल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड उस टेबल को ड्रॉ कीजिए Then give the illustration. फिर उसके बाद जो है वो उसका एलिस्ट्रेशन दीजिए कि आपके पास कैसे Neolithic से, आ, Paleolithic से जो है, वो आप जो है वो Neolithic की तरफ आए हैं देन राइट द क्रिटिसिज्मिज्म जस्ट बी जनरल इन द्रिटिसिज्म एक दो क्रिटिसिज्म जो है वो लिख दीजिए द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इट शुड बी दर जनरलाइज एस्पेक्ट जो आपके पास जो है वो स्टीवर्ट ने किया था दूसरा जो है वो आपके पास जो है रॉन्ग कंपैरिजन और जो है वो एक ही आपके पास जो फर्टिलिटी का डेटा है उसको जो है वो तीन बार उन्होंने लिख दिया है ठीक है तो आपके पास जो है वो कंपैरेटिव मेथड का एप्लीकेशन जो है वो इनसे अच्छे से नहीं हो पाया दूसरा जो है वो आपके पास जो है जीलियन पहला जो है वो जूलियन स्टीवर्ट का क्रिटिसिज्म आ गया देन आपके पास जो है दे कंक्लूजन ठीक है आप कंक्लूजन लिखेंगे एंड यू विल आप ये जो है वो आपके पास जो है वो पूरा स्कीम रहेगा आपका ठीक है दिस इज हाउ यू शुड राइट कॉन् द कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको जो है ये इसको जो है वो पूरे के पूरे को जो है आपको प्रॉपरली लिखना है ठीक है दिस विल गेट मोर मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स होंगे और नीचे वाला जो आपके पास एंड है इसमें जो है वो आपको जनरली जो है वो कम नंबर दिए जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज सब्जेक्ट मैटर तो जो हर क्वेश्चन के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर होता है तो सब्जेक्ट मैटर को डिलीनिएट करना आपका परम धर्म है यानी कि आपका पहला काम है कि आप सब्जेक्ट मैटर को देखिए सो एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रीब्यूशन को कौन सा आपके पास स्ट्रक्चर आंसर का स्ट्रक्चर मैंशन कर रहा है ये वाला ठीक है तो कॉन्ट्रीब्यूशन को देखिए ठीक है गिव द एलिस्ट्रेशन जस्ट ड्रॉ अ टेबल सिंपल सा टेबल टेबल ड्रॉ कीजिए और एलिस्ट्रेशन दे दीजिए एंड एक दो क्रिटिसिज्म लिख के उसका कंक्लूजन लिख के जनरल सा कंक्लूजन आप ड्रा कर सकते हो कंक्लूजन लिख के आप जो है वो इसकी समाप्ति कर सकते हो ठीक है आगे चल के जब हम आंसर राइटिंग डिस्कशंस करेंगे इन दी आंसर राइटिंग डिस्कशंस व्हाट वी विल जनरली डू इज दैट वी विल ट्राई टू सी दैट व्हाट इज़ अ ब्लूप्रिंट कैसे ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कैसे जो है वो नंबर्स का जो है वो डिवीजन किया जाता है ठीक है सो प्लीज़ राइट इट डाउन इसको जो है वो आप लिखिए एंड प्लीज़ सेंड इट इन हेयर आप जो है वो यहाँ पर आप जो है वो इसको भेज दीजिए ठीक है इस नंबर के ऊपर भेजिए या फिर आप ओ टू आई एस अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे जो है वो आप हमें भेज सकते हैं अपना आंसर थैंक यू वेरी मच होप यू एंजॉयड दिस वीडियो यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच